كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. पिछले दर्स में सूरह बकरा के आयत नंबर 30 था 34 का दर्स हुआ. इस बार सूरह बकरा की 35 नंबर आयत का दर्स है. और पिछले दर्स में काफिरों के मुताबिक अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया था कि अगर तुम इस कुरान के मुताबिक शक में हो तो इस जैसा कुरान लेकर आओ, और फिर फरमा दिया था कि तुम हरगिज़ लेकर नहीं आओगे. इसीलिए तुम जैसे काफिरों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दोज़ख का अज़ाब तैयार किया हुआ. इसके बाद अल्लाह ताला यहाँ पर कुरान पर ईमान लाने वाले मोमिनीन का अब जिक्र फरमा रहा है. अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. فرما رہے ہیں کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, ان ایمان لاکر نیک عمل کرنے والے مسلمانوں کو بشارت دو. بشارت کسے کہتے ہیں؟ بشارت ایسی سچی بات جس کو سن کر آدمی کی طبیعت خوش ہو جائے, اس کو کہتے ہیں بشارت. یہ لفظ بشارت اور بشارت دو طریقے سے پڑھا گیا ہے. तो बिशारत या फिर बुशारत, तो वो सच्ची बात जिसको सुनकर आदमी की तबीयत खुश हो जाए उसको कहते हैं बिशारत, खुशखबरी. तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ हबीब, आप जो लोग ईमान लाए हैं और नेक अमल किए हैं, आप उनको बिशारत दीजिए. किस बात की बिशारत, किस बात की खुशखबरी? अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार, के उनके लिए कई बागात हैं. ऐसे कई बागात हैं जिसके नीचे से नहरें जारी हैं. उनके लिए अल्लाह ने ऐसे बागात जन्नत तैयार किए हैं जिसके नीचे से नहरें जारी व सारी हैं. जन्नत का मतलब है बाग, और जन्नत को जन्नत भी इसलिए कहते हैं, इसके माने ये भी होते हैं कि नजर में आने वाली चीज, जैसे कि जिन, जिन भी नजर में आता है इसको जिन कहते हैं. ये जिन और जन्नत के रूट वर्ड्स एक ही है. तो लिहाजा जन्नत मतलब वो बागा जो नजर में आने वाले हैं यह दुनिया में, बल्कि ये इंसान को इंतकाल करने के बाद जन्नत में अता होंगे. तो ऐसे बागा उनके लिए तैयार किए हुए हैं जिनके नीचे से नहरें जारी हैं. अब अल्लाह ने यहाँ पर फरमाया जन्नत, जन्नत एक भी बोल सकते थे अल्लाह ताला, क्योंकि ये जन्नत है जिसके नीचे से नहरें जारी हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया जन्नत यानी कई जन्नत. तो बताया गया है कि जन्नतें जो है बड़ी बड़ी, ये जन्नतें सात हैं. इन जन्नतों में भी अलग अलग मरतबा है. तो सात जन्नतें हैं पूरी, जन्नतुल फिरदौस, जन्नत अदन, जन्नत नईम, इसी तरीके से दारुल खुल्द भी एक जन्नत का नाम है, इल्लियीन भी एक जन्नत का नाम है. इसके अलावा और दो जन्नतें हैं, मुकम्मल सात ये जन्नतें हैं. अब यहाँ पर एक बात ये भी गौर करने की है कि जब ऊपर काफिरों का जिक्र हो गया तो अल्लाह ने डायरेक्ट काफिरों से मुखातिब होना था, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اے काफिरों अगर तुम इस बात में शक करते हो जिसकी जो हमने हमारे बंदे खास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया. तो यहाँ पर अल्लाह ताला डायरेक्ट काफिरों से बात कर रहा है, लेकिन जब मोमिनीन का जिक्र आया तो अल्लाह डायरेक्ट ने बोला कि الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات, کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کے لیے ان کے لیے جنت ہے, یہ اللہ نے فرمایا. بلکہ جب جنت کی اور مسلمانوں کی بات ہے تو اللہ اپنے حبیب سے فرما کے بشر الذين آمنوا, اے حبیب آپ ایمان والوں کو جو ہے نا آپ خوشخبری دیجیے. کیوں؟ تو علماء نے یہ بتایا ہے کہ وہاں پر کفار کو اور سخت عذاب دینا تھا, تکلیف دینی تھی, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بتا دیا. اور یہاں پر میں بندوں کو خوشی دینی تھی, اسی لیے اللہ اپنے محبوب کے ذریعے کہلوا رہا ہے. اب اس کے بعد پھر آگے ارشاد ہے, کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. اب یہاں پر جنت میں جب جنتیوں کو رزق دیا جائے گا تو ان کا کیا عالم رہے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہا ہے.
सुभान अल्लाह, ऐसी किताब है कि गैब की खबरें और मुस्तकबिल की खबरें दे रही है कि जन्नत में कैसा हो रहा यहाँ पर बता रही है। तो फरमाया जा रहा है कुल्लमा रुज़िकु मिन्हा मिन थमरति रिज़्क़, जब जन्नत में उनको खाने के लिए कोई रिस्क दिया जाएगा, قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, तो कहेंगे अरे ये तो वही फल है, ये तो वही रिस्क है जो हमको इससे पहले दिया गया था। ये बोलेंगे ऐ जन्नत दुनिया के सेब देखे हैं वहां पर सेब दिया जाएगा, तो बोलेंगे अरे ये तो वही है जो हमारे पहले दुनिया में दे दिए थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं उतू भी मुतशाबिहा, ऐसी बात नहीं है बल्कि उनको इसके मिसल दिखने में भी जैसा सेब से दिया गया था। वरना जन्नत का फल खाने में यहाँ का फल खाने में जमीन और आसमान से भी ज्यादा फर्क है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे कि वैसा फल नहीं बल्कि बस देखने में एक जैसा है। अब जन्नत की नेमत क्या है कि आप दुनिया में फल खाएंगे फिर से मजा, फिर मजा आएगा उसका, फिर आप उसको करेंगे फिर वैसे ही मजा देंगे, फिर आप खाएंगे फिर वैसे ही मजा आएगा, मजा उसका बदल ही ना है, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, हो सकता है कम हो जाए लेकिन बड़ी ना रहे बदली ना। लेकिन जन्नत के फल की खासियत ये होगी कि आप जन्नत का एक मतलब फल खाएंगे तो उसका मजा बढ़ जाएगा, बहुत अजीज ऐसा ऐसा लजीज रहेगा कि वैसा मजा आपने कभी जिंदगी में चखा नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा वैसा मजा आपको आएगा। इसके बाद फिर जब दोबारा आप बदलेंगे आपके मजा दोबारा हो जाएगा, आपका लुत्फ दोबारा हो जाएगा, मजा डबल हो जाएगा आपका। तीसरी मरतबा करेंगे तो मजा और बढ़ जाएगा, चौथी मरतबा करेंगे तो मजा और बढ़ जाएगा। जैसा आप खाते रहेंगे फल मजा बढ़ते ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा, जन्नत में किसी चीज का मजा खत्म नहीं होगा। तो आप बोलेंगे फिर क्या खा मजा बढ़ रहा तो छोड़ेगा तुम्हें, तो क्या खाते रहेगा, खाते रहेगा तो हाँ जन्नत में खाते रहेगा, किसी चीज से बेजार होकर किसी चीज को नहीं छोड़ेगा। आप यहाँ पर कोई चीज खा रहे हैं तबीयत बेजार हो गई उठा गया आप छोड़ देकर दूसरी तरफ जा रहे, लेकिन जन्नत में क्या होगा आप कोई चीज से आप नेमत से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, आप मजा ले रहे हैं, उसके बाद आपकी तवज्जो दूसरी तरफ बढ़ जाएगी तो उस तरफ इसको छोड़ दो उस तरफ जाएगी, वरना बेजार होकर किसी जन्नत में किसी नेमत को नहीं छोड़ेगा। तो बहरहाल जन्नत में फिर उसको दिया जाएगा तो बोलेंगे ये तो हमको इससे पहले भी दिया गया था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया हो तू भी मुतशाबिहा, उन लोगों को देखने में इसकी जगह सेम सेम दिया गया था लेकिन ये वही फल नहीं होता। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं वलहुम फीहा, और उन जन्नतियों के लिए उस जन्नत में अज़वाजु मुतहरा पाक बीबियां हैं, हुरे हैं उन लोगों के लिए, वहुम फीहा खालिदून, और वो लोग उस जन्नत में हमेशा अल्लाह की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहेंगे, वो लोग उस जन्नत में हमेशा रहेंगे और अल्लाह की नेमतों से खुश होते रहेंगे, अल्लाह की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहेंगे। अच्छा यहाँ पर एक बात ये भी वलहुम फीहा अज़वाजुन मुतहरा, और उन जन्नतियों के लिए उस जन्नत में पाक साफ सुथरी बीवियां हैं। तो सवाल ये होता है कि फिर दुनिया में बीवी, तो इसके मुताबिक आया है कि अगर शौहर और बीवी दोनों नेक हो और दोनों भी जन्नत में चले जाए तो जन्नत में भी ये दोनों साथ में रहेंगे। इसके अलावा मर्द आदमी को और भी जन्नती बीवियां दी जाएंगी। जन्नती बीवियों की चंद खासियतों में से चंद खासियत ये भी है कि उनकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी, उनका उनकी रंगे जो बताते हैं हमारे पास खूबसूरती बताना तो बताते हैं कि गलत किसी का बताना हो तो रगा भी नजर आ रहे थे ऐसा बताता, तो जन्नती औरतों की रगे भी नजर आने वाली इतनी खूबसूरत रहेंगी और अपने शौहरों से बे इंतहा मोहब्बत करने वाली रहेंगी जन्नती औरत। जब भी किसी कौन की तरफ जन्नती बीवी की तरफ देखेंगे तो आदमी की तबीयत खुद बहुत खुश हो जाएगी, कभी अपने शौहर को तकलीफ नहीं देंगे। यहाँ तक कि जन्नती मोरे इतनी अपने शौहरों से मोहब्बत करती है कि दुनिया में जब कोई शख्स या जब कोई बीवी अपने शौहर को तकलीफ देती है कुछ बोलकर या कुछ करकर, तो जन्नत से अगर उसकी बीवी कोई अल्लाह को मुखातब कर रखी है तो जन्नती बीवी वहां से देखकर उससे मुखातब होती है और कहती है कि ऐ औरत अब तू मेरे शौहर को तकलीफ ना दे, वो चंद दिनों के लिए तेरे पास है, अनकरीब वो मेरे पास आने वाला है, तो जितने दिन थे तेरे पास ठहरा उसको तकलीफ ना दे, उससे उसको भी तकलीफ होती है जन्नती हूर को भी, इतनी बेइंतहा मोहब्बत करने वाली होती है।
इसीलिए अगर कोई जन्नत दुनिया की बीवी भी अगर मोहब्बत करने वाली हो तो ये भी जन्नती बीवियों की अलामत बेइंतहा मोहब्बत करने वाली हो। अलगर जन्नती बीवियां बेइंतहा खूबसूरत रहेंगी और दुनिया की बीवी अगर दोनों मियां बीवी दोनों जन्नत में हो तो दोनों जन्नत में एक साथ रहेंगे और इस दुनिया में जो बीवी थी दुनिया में औरत थी इसका हुस्न जन्नती हूरों से बढ़ता रहेगा, इसका हुस्न जन्नती हूरों से बढ़ता रहेगा। क्यों? जन्नती हूरों का जो हुस्न है वो जन्नती हुस्न है, जो भी जन्नत मिलेगा वो खूबसूरती मिलेगी। अब दूसरी बात, इस औरत के पास इबादतें भी है, ईमान दुनिया से लेकर गई है, लिहाजा इसकी वजह से इसका खूबसूरती इसका हुस्न और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बहरहाल जन्नती जन्नतियों के लिए जन्नत में लुत्फ अंदोज होने के लिए दिलों को राहत पहुंचाने के लिए साफ सुथरी बीवियां भी रहेंगी जिसको ना किसी आंखों ने देखा होगा ना किसी हाथ में छुआ होगा, वहुम फीहा खालिदून और ये जन्नती जन्नत में हमेशा रहेंगे, अल्लाह की नेमत से लुत्फ अंदोज होते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को जन्नत नेमत अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को जन्नत अल-फिरदौस में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का पड़ोस नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे हमारे वालिदैन के तमाम मुसलमानों के बिला हिसाब किताब और फिरत फरमाए। मजलिस के इख्तिताम के तौर पर ये सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका।